ये 10 का लाइटर और ये 10 का माचिस। अब देखना ये कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा देर तक कौन जलता है। मैं जैसे ही कंपैरिजन स्टार्ट करता हूँ मुझे एहसास होता है कि माचिस का एक एक तिली हाथ से जलाना नहीं हो सकता है और टाइम कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल। इसलिए मैं एक स्टैंड बना लेता हूँ, यहाँ पर माचिस की तिली को जलाना है और इसमें फंसा देना है। अब मैं फाइनली कंपैरिजन स्टार्ट करता हूँ। एक हाथ मेरे टाइमर में था और एक हाथ लाइटर में, दोनों को मैं एक साथ स्टार्ट कर देता। लाइटर को मैं टेप से चिपका करके यहाँ पर रखता और एक एक करके मैं माचिस की तिली को भी जलाने लगता हूँ। मैं बाद में इसका टाइम कैलकुलेट कर लूंगा। मुझे तो पहले लगा था माचिस की तिली को जलाना बहुत आसान होगा, लेकिन मेरा पसीना छूट जाता है एक डब्बा जलाते जलाते और इसके बाद मेरे से नहीं होगा। मैं इसी एक डब्बा का टाइम से 10 डिब्बे का टाइम कैलकुलेट कर लूंगा। 20 मिनट आते आते लाइटर भी जवाब देने लगा और फाइनली लाइटर बुझ चुका है, लेकिन लाइटर में फ्यूल बचा है तो इस हिसाब से हम मान लेते हैं 30 मिनट। जब मैं कैलकुलेट किया तो माचिस का एक डिब्बा जलने में लगा 10 मिनट। इस हिसाब से देखा जाए तो 10 डिब्बे का 1 घंटा 40 मिनट, कहां लाइटर 30 मिनट और कहां 1 घंटा 40 मिनट। तो इस वीडियो का विनर है माचिस।